Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome to Raghuvansh Convent School. In our previous class of social studies, we are studying about chapter 15 of economics, class 10. Now we are continuing this chapter and let's start to continue this chapter. In previous class, we are studying about developing and developed countries. Now we are studying what is economic planning in India, what is their aims. लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है तो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है कि वो हमें ये बताना होता है कि जो हमारे पास हमारी इकोनॉमिक में जो हमारा मतलब पैसा है, इकोनॉमी से मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो पैसा आता है वो पैसा हमें कैसे, कहाँ और किस हिसाब से खर्च करना है. तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने एजुकेशन फील्ड में सारा पैसा लगा दिया या किसी और फील्ड में सारा पैसा लगा दिया. हम क्या करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं. जैसे हम कहीं ट्रिप पर बाहर जाते हैं तो उसके लिए पहले से हम पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करके जाते हैं. इसी तरीके से हम इकोनॉमिक प्लानिंग में भी क्या करते हैं कि पैसा हमें अपना इकोनॉमी अपना जो मनी है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपना जो गवर्नमेंट का मनी है वो कहाँ इन्वेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्ट होगा, इसकी पूरी क्या होती है प्लानिंग की जाती है. तो इसमें क्या होता है, जो भी इसके गोल्स और एम्स होते हैं, मतलब कि अब हमारी गवर्नमेंट में मान लो एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्ट करना है. अब उन्हें ये पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में क्या है, अभी इंडस्ट्रियल और जो एजुकेशन है वो सबसे लो उस पर चल रही है. तो वो क्या करेंगे कि पूरा पहले गोल डिसाइड कर लेंगे, देखेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर उनको ज़्यादा मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ उनका कम पैसा इन्वेस्ट हुआ. इस तरीके से वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, अपना आगे जो इकोनॉमी है उसको लेके जाते हैं. अब आता है इन इंडिया एम एंड ऑफ प्लानिंग. अब इंडिया में उनके क्या क्या एम एंड क्या क्या उद्देश्य होते हैं कि किस तरीके से वो इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे. फर्स्टली क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ये पूरी चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट होने के कारण पूरी जो व्यवस्था थी उस टाइम किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में थी. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरीके से दूसरी जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को तो वेल डेवलप करती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडिया क्या है डेवलप नहीं हो पा रही. तब हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंट बनाई. गवर्नमेंट किसके लिए होती है, हमारे लिए, यानी सिटीजन्स की हेल्प के लिए होती है. सिटीजन्स की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए होती है. तो अब उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो उनको आगे ले जाएंगे. इन इंडिया द नेशनल लीडर्स एंड एक्सपेक्टेशन एम्फसिस ऑन द नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन बिफोर अचीविंग इंडिपेंडेंस इन 1934 श्री विश्वभरैया प्रेजेंट अ 10 ईयर प्लानिंग. जैसे अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में क्या होता है, 10 ईयर की जो प्लानिंग होती है, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, 5 ईयर प्लान्स जो होता है. लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं हुए जो उससे पहले क्या होता है, 10 ईयर प्लानिंग होती थी. लेकिन आप जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद क्या करते हैं, 5 ईयर प्लान लागू करते हैं. जैसे अब हमारा जो बजट है वो कितने 5 साल में पेश होता है. तो उसमें क्या क्या होता है, अब उसमें मेन प्रिंसिपल्स ये रखे जाते हैं कि जो 5 ईयर प्लानिंग होती है उसमें हमारी इकोनॉमी में क्या है, हर चीज़ को इक्वलिटी देनी चाहिए, यानी सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए. उसकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके लिए पॉजिटिव होने चाहिए. अब इसमें कुछ इंडिया में जो प्लानिंग की जाती है वो बताइए, टू ऑब्टेन हाई रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास हो रहा है हमारे यहाँ, डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी क्या है, दरों को ऊंचा कर दिया गया, यानी डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया. तो ऑब्टेन सेल्फ डिफेंसिंग, यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई. जैसे कि अभी हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो इसी तरीके से क्या, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर, यानी अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, कुछ कारणों से उनके पास लैक्स ऑफ एजुकेशन है या फिर किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कोई जॉब करें जिससे उन्हें बेनिफिट मिले. जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में लग जाएंगे, तो अलग अलग तरह के जो सर्विस सेक्टर हैं उनको फॉलो कर दिया जाता है. टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है यानी हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसकी, उसको भी अच्छे तरीके से लिया जाए, यानी हमारी आर्थिक स्थिति को देख कर ही
किए जाए टू एंश्योर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर से मतलब समाज का जो कल्याण है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जब सोसाइटी हमारी डेवलप होगी, हमारी सोशल लाइफ डेवलप होगी, तभी जाके व्यक्ति जो है वो अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, लोगों को गवर्नमेंट पे विश्वास रहे इसके क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का भी ध्यान रखना पड़ता है। टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ मतलब जब गवर्नमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देगी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, तभी तो हमारा जो देश है तरक्की करेगा, यानी हमारा जो कंट्री वो डेवलप होगी। टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जब ये सब हमें मिलेगा तो हमारा जो जीवन स्तर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और पॉवर्टी, एडुकेशन एटसेट्रा, और जो हमारे देश में व्याप्त गरीबी, एडुकेशन वगैरह है वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें मैं पूरा ये जो चार्ट दिया है इसमें बताया है कि फर्स्ट ईयर से लेकर 12 प्लान, अभी जो 12 प्लान हो चुके हैं, मतलब 5 ईयर प्लान जो है वो कब से कब तक हो गए हैं, तो उसके बारे में आपको दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए। अब हम पढ़ते हैं सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से जो हमारा नियोजन है, यानी जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपिंग है, वो कैसे सफल और असफल होती है। तो पहला है इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। भाई जब हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान है उसको मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा, यानी एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा, हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, तो बेसिक सी बात है कि पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, और जब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम भी उसी के साथ बढ़ती जाएगी, और इसी के साथ क्या होगा, हमारी कंट्री और भी ज़्यादा डेवलप होगी। इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जब व्यक्ति कमाने लगेगा, जब उसके पास इनकम आ जाएगी तो वो क्या करेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे पास जो भी इनकम हो रही है वो पूरी इनकम एक ही साथ वेस्ट कर देते हैं, नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, हमारी इनकम का एक बहुत छोटा सा पार्ट उसको क्या करते हैं, हम सेव करके रखते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं इन फ्यूचर के लिए। जैसे घर में आपने देखा होगा जो मदर एंड फादर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी पूरी इनकम होती है यानी जो उनकी सैलरी होती है वो पूरी सैलरी खर्च नहीं करते, वो क्या करते हैं बेसिक चीज़ों पर खर्च करने के बाद जो भी उनके पास पैसा बचता है उसको सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर उनके काम आ सके। और वो ये सब जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का करेंगे वो सब बैंक में करेंगे, और बैंक क्या करेगा उससे क्या है, हमारी जो इनकम है नेशनल इनकम उसमें बढ़ोतरी होगी, तो इस तरीके से क्या है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी डेवलप करती जाएगी। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा जो आज से 1950-51 के टाइम पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा था, बहुत स्लो था, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, इन सब के कारण क्या हुआ कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। पहले हम क्या थे, सारे ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, जैसे थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, इन सब ने क्या किया है हमारी जो एग्रीकल्चर लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया, नहीं तो पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन आज के टाइम में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण क्या है हमारी जो लाइफ है वो एग्रीकल्चर जो लाइफ है वो ईजी हो गई है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आज आपने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी यानी हमारी जो फ्रीडम हुई थी, हमारी 1847 में फ्रीडम हुई, उसके बाद क्या है कि हमने 1947 में हमें इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद से हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डेवलप करने लगी। पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या स्मॉल स्केल पर रहती थी, फिर उसके बाद लार्ज स्केल पर, और आज हम क्या है मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है हम और इंडिया पहले से ही खुद के दम पर हर चीज़ करता था, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के कारण ख़राब होने लगी थी, लेकिन आज के टाइम में क्या है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई है। हम मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने लगे, हम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दिन प्रतिदिन डेवलप करते जा रहे हैं। जैसे पहले जो हम क्या करते थे, सिर्फ अपनी कंट्री के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो हम अपनी कंट्री के बेसिक जो उनकी ज़रूरत थी उनको पूरा करते थे, लेकिन आज क्या करते हैं, हम हमारे जो गुड्स हैं, हमारी जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं वो हम फॉरेन कंट्रीज में भी अवेलेबल कराने लगे। फिर इंक्रीज इन पावर जनरेटर्स, आज हम पावर जनरेटर्स की फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी आज हमारे यहाँ क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है हमने उसमें भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया। पहले आपने देखा होगा आज से 5 से 6 साल पहले क्या होता था कि पूरे टाइम लाइट नहीं रहती थी, मतलब मोस्टली 24 घंटे में से आपको 4 या 5 घंटे लाइट मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे पावर जनरेशन के कारण हम डेवलप हुए हैं तो आज के टाइम
अवेलेबल रहती है। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया है? ये सब तभी हो पाता ना जब गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, यानी जब उन्होंने 5-year प्लान तैयार किया, उस प्लान को आगे लेके गए, उसी में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को भी डेवलप किया, तभी जाकर हमें ये सब मिला था। उसके बाद इंक्रीज इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी, इतने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होता था कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन था वो भी ज़्यादा विस्तार नहीं था, या उसका जो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर 5-year प्लान्स, जब 5-year प्लान्स बनने लगे, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी डेवलप किया गया। क्यों भाई? क्योंकि हमें क्या है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट हमके क्या ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम जाना आना होता था, और जब तक हमारा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हम ट्रांसपोर्ट को क्या करेंगे। तो जैसे आज बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका सामान क्या होता है, बाय रोड, बाय एयरक्राफ्ट, बाय वाटर, इस तरीके से जाता है। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे। उसके बाद है एजुकेशन एंड हेल्थ, जो कि सबसे बेसिक चीज़ होती है, एजुकेशन और हेल्थ। हमारे यहाँ क्या है, आज भी आपने देखा होगा लैक्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ है, यानी आज भी कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इस पर वर्क कर रही है, इसको डेवलप और भी ज़्यादा कर रही है। जैसे आज आपने देखा होगा गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें क्या है, काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह चलाई गई हैं, जिससे बच्चे उससे अट्रैक्ट होकर स्कूल आए और एजुकेशन को आगे बढ़ाएँ, उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। और हेल्थ के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट हमें कई ज़्यादा हेल्प कर रही है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट होता है। यही सब जो फ्री में ट्रीटमेंट होता है उनका पैसा कौन भरता है, गवर्नमेंट भरती है। तो इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी प्रोग्रेस हुई है, और हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी जो हमारा बिजनेस स्केल है वो भी बढ़ता गया है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक फेलियर भी मानी जाती है, और कुछ लेवल तक वो सक्सेसफुल भी मानी जाती है। अब हम देखते हैं शॉर्ट टर्मिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब आने वाले टाइम में, यानी शॉर्ट टर्मिंग आने वाले टाइम में इंडिया की क्या क्या प्लानिंग है अपनी इकोनॉमी को लेकर। फिर है स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटल इनकम, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फेलियर का वो भी है कि हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम कैसी है, वह स्लो है, स्लोली वो डेवलप कर रही है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जैसे एक घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य मुश्किल से 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 8 सदस्य कैसे हैं, उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो क्या है, काफ़ी स्लोली ग्रो कर रही है। फिर है रीजनल इम्बैलेंस। अब भाई कहेंगे क्या होता है कि रीजनल इम्बैलेंस भी आ जाता है, जैसे कैटेगरी और कास्ट, स्टेट्स, लैंग्वेज के आधार पर लोग कहीं, जैसे अब हम लोग हैं, अगर हम कहीं दूसरे सेक्टर में जाके या दूसरी जगह पर जाकर स्टेट में काम करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। फिर है इंक्रीज इन प्राइस। जिस तरीके से आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, और प्राइस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उसको हाँ हो रहा है। फिर है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो इनकम है और वेल्थ है उसमें भी कमी आ रही है, क्योंकि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है। आज आपने देखा शिक्षित होने के कारण बेरोजगारी भी कई तरह की होती है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ अनएजुकेटेड है वही है, आज एजुकेटेड पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई है, लेकिन जो हमारे पास जॉब्स हैं, जो सर्विस सेक्टर है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है, इसके कारण कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिर फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब भाई जैसे किसी ने एक बिजनेस खोल लिया, उसी की जैसा बिजनेस 3-4 लोगों ने और खोल लिया, तो क्या होता है उनका जो बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं लो जाने लगता है, इसके कारण जो उनके एंटरप्राइजेस होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये थे हमारे सक्सेस और फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम देखते हैं इंडिया विजन 2020। एक विजन बनाया गया था जिसका नाम था इंडिया विजन 2020। इन जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इशूड एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नेम इंडिया विजन 2020। 2003 यानी जनवरी में 2003 में इंडिया की जो प्लानिंग कमीशन थी उनके थ्रू एक डॉक्यूमेंट पास किया गया जिसका नाम था इंडिया विजन 2020। अब इस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या होना था कि 2020 तक
इंडिया को जो था उसको काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्री के क्षेत्र में, यानी इंडिया को क्या था डेवलप्ड कंट्री के उसमें कैटेगरी में हम लेके आना चाहते थे, जिसके जिसका रिजल्ट क्या होता कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाती, पॉवर्टी गरीबी दरिद्रता इलिटरेसी यानी जो असाक्षरता है वो खत्म हो जाती और कम्प्लीटली ये सब क्या है हमारी कंट्री से एडुकेट हो जाते हैं, यानी हमारी कंट्री से सब निकल जाते हैं। The planning commission has established that by the year 2020, 135 crores of country's population will be better nourished. क्योंकि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन था उनका मानना था कि 2020 तक 135 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या वाला देश है वो सब क्या है बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। Will have good living standard and being completely health, average age of the population will increase. और इससे क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन यापन करने की जो एक स्टैंडर्ड है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और उसके साथ साथ पॉपुलेशन जो है उसको भी बहुत अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा। इसके बाद ये था हमारा विजन 2020 जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो पाया, लेकिन कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। अब नीति आयोग की, नीति आयोग क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन January 1, 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। क्या हुआ था कि जो नीति आयोग का मतलब होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी जब हमारे जो प्लानिंग कमीशन थी उनकी कई हद तक जो प्लानिंग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी तो गवर्नमेंट ने एक और नीति बनाई जिसका जो कि 1 January 2015 को बनाई, जिसको क्या है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाई गई थी। नीति आयोग इज द प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नीति आयोग था वो क्या था, प्राइमरी पॉलिसी थी जिस थिंक टैंक, मतलब इन लोगों को सोचा, इन लोगों को ये काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स के लोग थे जिनको वो लोग सोच कर बताते थे या वो देख कर बताते थे, एनालाइज करके बताते थे किस तरीके से हमारी कंट्री में किस किस चीज़ की नीतियाँ बनानी चाहिए और वो पूरी स्ट्रेटजी और पॉलिसीज को डिज़ाइन करने के बाद एक प्रोग्राम सेट करते थे कि इस तरीके की जो टेक्निकल एडवाइस जो होती थी वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को लोग देते थे। तो ये था हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो कि आज यहीं ख़त्म होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।